नमस्कार दोस्तों, आज पर्यावरण दिवस पर बहुत शुभकामनाएं प्रेषित हैं आप सबको। और जो मैं कहने जा रही हूँ वह उस दिन भी बहुत वैलिड होगा, उस दिन के लिए भी उसकी वैलिडिटी होगी जिस दिन विश्व पृथ्वी दिवस है, जिस दिन विश्व जल दिवस है। अब पता नहीं हवा के लिए कोई दिन है या नहीं, लेकिन कोरोना ने सिद्ध कर दिया है कि हवा कितनी साफ हो गई, प्रदूषण कितना घट गया, जबकि हमारी मोटर गाड़ियाँ सड़कों से हट गई। तो खैर, पर्यावरण पर एक और कविता अपने तीसरे कविता संग्रह प्रत्यंचा से। कविता का शीर्षक है, मैं अधूरी नहीं फूल मुझसे बनते हैं। मैं अधूरी नहीं फूल मुझसे बनते हैं, खुशबुओं का आलय मैं, दीप मुझ में जलते हैं। दिखा सकती हूँ तुम्हें राह जब होती हूँ सफ़ेद भी, अंधेरे में चमक हूँ रोशनी में ठंडक। एक एक कर चढ़ाओ मुझे अपनी पूजा पर ऐ पुजारी, अब तुम्हारे मंदिर की भी रोज़ घट रही है फुलवारी। है कठिन नहीं उगाना मुझे, फिर क्यों उखाड़ते जाते हो, विरल मेरे जन्मदाता को क्यों तुम करते जाते हो। चिड़ियों का हूँ जीवन मैं, पराग मुझ में बसते हैं, मैं पंखुड़ी हूँ मुझ में सृष्टि के अष्टयाम बजते हैं। मैं अधूरी नहीं फूल मुझसे बनते हैं। तो ये कविता सविता सिंह जी को भी पसंद आई थी। बाकी तमाम मुक्त छंद की इस किताब में एक ये है जिसमें थोड़ा बहुत छंद है और हल्का सा रुमान है। हमें लगता है कि अन्न के इस समय में फूल उगाना कितना व्यर्थ काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। फूलों की हमें ज़रूरत है, सौंदर्य बोध हमारी चेतना का अभिन्न हिस्सा है और होना चाहिए। मनुष्य को इस तरह प्रकृति में नहीं होना चाहिए कि वह अधिक हो और भोजन कम, भोजन अधिक महंगा हो। खैर, तो फूल उगाएं, फूलों की क्यारियां लगाएं, और इसका धान रोपो से कोई विरोध नहीं है। मेरे नाना जी की कविता है, रोपो भैया रोपो धान, वो भी सुनाऊंगी। भूदान पर उनकी अनेक कविताएं हैं, वो भी सुनाऊंगी। भूदान के दो एस्पेक्ट्स पर, ज़मीन चाहिए होती है ना फूल उगाने के लिए, अन्न उगाने के लिए। हमारे समय की एक ये भी त्रासदी है कि अन्न सड़ रहा है, कोई खाने वाला नहीं है और लोग मर रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में जब लोगों को भोजन बांटा गया तो हमारे माता पिता के पेंशन से 30% काट लिया गया, किसी ने कहा कि उनकी सैलरी से 50% काट लिया गया। तो कितनी कंगाल ये सरकार है। केदार जी की कविता याद आ गई कि वसंत जब चमकता है बनारस के कटोरों में। खैर, तो बहुत खूबसूरत कविता है बनारस शहर पर, या कि आधी नींद में आधा जागा हुआ यह शहर बनारस, उसका कभी पाठ करूँगी बाद में। फिलहाल अपने नाना जी की एक कविता, रामजीवन शर्मा जीवन जी की, तुम उपजाओ हम खाएंगे, वो भी किसान भी थे कवि होने के साथ साथ। तुम रो हम तो गाएंगे, तुम उपजाओ हम खाएंगे, हम हैं मेंबर और मिनिस्टर, हम हैं मुंसिफ और मजिस्टर, हम हैं लीडर हम प्रोफेसर, हम कवि लेखक हम हैं शायर, हमको क्या ताल्लुक है श्रम से, काम चलाते हम तिकड़म से। हम न खेत में खुद जाएंगे, तुम उपजाओ हम खाएंगे, किसने कहा कि उत्तम खेती, खेती तो हर दम दुख देती। किसने कहा कि उत्तम खेती, खेती तो हर दम दुख देती, कभी न लेने देती दम है, निशिदिन करना पड़ता श्रम है। हल कुदाल को कर में थामो, चलो खेत को जोतो तामो, कठिन धूप में रहो खेत में, उपजाना है रत्न रेत में, हम क्या इतना कर पाएंगे, तुम उपजाओ हम खाएंगे। नाम न लो सावन भादो का, यह मौसम की चढ़का दो का, छोड़ बाल बच्चों को घर में, सिर पर छाजा लाठी कर में, क्या परवाह रात है काली, बंद न मकई की रखवाली। तुम जागे रहते मचान पर, पीटा करते तीन तीन कनस्तर, मुझसे गुण अवश्य गाएंगे, तुम उपजाओ हम खाएंगे, गुण गा गा कर तुम्हें ठगेंगे, श्रम की कीमत कभी न देंगे, श्रम तिकड़म से हारेगा ही, नय को अनय पछाड़ेगा ही, भूतकाल इसका गवाह है, कभी न रुकता यह प्रवाह है। हम न अधिक अब न अधिक हम समझाएंगे, अब न अधिक हम समझाएंगे, तुम उपजाओ हम खाएंगे। तो ये किसान से, किसान की खेती से मुँह भंग की बहुत शुरुआती कविता है, एकदम आज़ादी के बाद की।
कहा गया है कि वो आज़ादी के बाद मोहभंग के पहले बड़े कवि हैं। बहरहाल दोनों कविताएं फूल भी ज़रूरी है, गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा है। बड़े अभिन्न मित्र थे मेरे नाना जी के, तो खैर वो किस्सा कभी बाद में। बेनीपुरी जी पर भी एक कविता है, वो भी बाद में। बेनीपुरी जी की बेटी प्रभा बेनीपुरी, मेरी माँ की अभिन्न मित्र, उनकी कॉलीग, मुझे भी बहुत प्यार मिला है उनसे, तो ये सब संस्मरण कभी सुनाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों, पर्यावरण दिवस की बहुत शुभकामनाएं। पृथ्वी दिवस तक हो सकता है कि हम कोरोना को मात दे दें, जल दिवस तक हो सकता है कि हम फिर से विजयी हो जाएं, तो पेट्रोल को पानी की तरह ना बहाएं। और पैदल भी चलना ऐसा बुरा नहीं है, बहुत से लोग सुना रहे हैं संस्मरण। हम जितना दूर रहेंगे मोटर गाड़ियों से, हम उतने खुश रहेंगे। कहने का मतलब कि जनसंख्या भी कम करें, और बहुत ज़्यादा जो हमारे कार पूलिंग वगैरह की जो बातें हो रही हैं, हमारे जो पर्यावरणविद कह रहे हैं, उन पर हम ध्यान दें, दुनिया को सुरक्षित बनाएं, ताकि मतलब लिफ्ट लेने से फिर वो गीता चोपड़ा वाला कांड ना हो, है ना, इस तरह की बातें। तो खैर बहुत सी बातें, इतनी बातें हैं पर्यावरण दिवस के दिन की, मतलब ख़त्म ही ना हो। धन्यवाद।